basic fundamentals. Retrogression means adharma karne ki sambhavna. कोई ग्रह वक्री अगर सातवें घर में है तो शादी में अधर्म करने की, बिजनेस में अधर्म करने की संभावना बनती है. कोई भी आप लोगों थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा, याद रहेगा ना, कोई आजू बाजू वाला का कुंडली में कोई ग्रह वक्री हो, बाजू वाले की कुंडली में कोई ग्रह वक्री हो, खुद की कुंडली में कोई ग्रह वक्री, कोई ना कोई तो ग्रह वक्री कोई ना कोई कुंडली में मिलेगा. ये टेक्निक यूज करिए. सॉरी, किसी ने राहु केतु बोला, किसने बोला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर. राहु केतु में भी चलेगी ये? ऑफ कोर्स, आप देखो जिधर भी राहु केतु बैठता है. हम लोग क्यों बोलते हैं कार्मिक एक्सिस सर? मेरे पास एक बर्थ डिटेल है, उनको उनके पेरेंट्स जो थे वो फॉरेस्ट पेरेंट थे, उनको अडॉप्ट किया गया था अपने उनकी चाची ने अडॉप्ट किया था उनको, लेकिन उनका मार्स जो है वो 12th हाउस है और वो जो खुद है वो लिब्रा लग्न है. मार्स 12th हाउस है, इसके पहले हमने क्या बोला 12वां घर क्या क्या है? काफी लोग उसको अंकल्स आंटीज लेते हैं ना. यस, तो चाचा चाची क्या हो गया? अंकल आंटी जी हो गया ना. तो सर इसमें केतु है उनके 7th हाउस में, वो अलग बात है. अगर आप खाली मेष की बात करो, ओके, लग्न आपने बताया नहीं, ओके, लेकिन मेष का मालिक मंगल आपने बोला 12वें घर में. हाँ, 7th लिब्रा लग्न है ना, लिब्रा असेंडेंट. ठीक है, लिब्रा असेंडेंट है और जैसे आपने अभी बताया रेट्रोग्रेड प्लेनेट का, इसमें केतु है, रेट्रोग्रेड हो गया ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि वो राहु केतु के साथ भी चलेगी टेक्निक. ये तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योतिष है ना, और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया रहेगा, राहु केतु जिधर भी बैठता है कार्मिक रिजल्ट देता है, पहला बात. ओके, सेकेंड चीज, कर्म का मतलब क्या हो गया? अभी हम लोग डिविएट हो रहे हैं लेकिन मुझे फंडामेंटल्स पे जाना पड़ रहा है. कर्म का मतलब क्या है? मैंने मेरे पास्ट लाइफ वेबिनार में क्या बताया था, मेरा पास्ट लाइफ कोर्स जो है उसका मैंने एक छोटा सा वेबिनार किया था 6-8 घंटे का. ओके, तो उसमें मैंने क्या बताया था, जो गलती आपने पहले जन्म में किया है वो गलती इस जन्म में आपको एक टेस्ट करके आएगा. आप वो टेस्ट को पार करोगे कि नहीं करोगे, वही राहु केतु है. मैंने बोला 95% ऑफ द टाइम्स आदमी वो साइकिल से निकल नहीं पाता. आपने अगर अपने बीवी को चीट किया पहले जन्म में, इस जन्म में वापस से वही टेस्ट आएगा. सामने कोई ब्यूटीफुल औरत आ जाएगी, आई लव यू बोल देगी या आंख मार लेगी और हो गया कल्याणम. आप समझ रहे, आपने पहले जन्म में किसी का प्रॉपर्टी चीट किया था, इस जन्म में अगेन आएगा ऐसा सिचुएशन आएगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा हक बनता है, ये तो मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है, ये तो मुझे ही मिलना चाहिए. ये टेस्ट आता है. राहु केतु इज योर कार्मिक एक्सिस, दैट मींस राहु केतु के ऊपर क्या है, उन लोगों ने गलती किया था ना अमृत चुरा के, तो वापस से आएगा उनके सामने अमृत, टेस्टी दिखेगा लाइक एन आइसक्रीम, सुपर डुपर रस मलाई. तो वो हर बार टेस्ट आते जाएगा. हर बार आप रस मलाई एक खाओगे कि 10 खाओगे, ये टेस्ट है. सो वेर एवर योर राहु केतु इज सिटिंग, आपके ऊपर वो टेस्ट होगा ही. इसीलिए तो बोलते हैं ना राहु केतु 1-7 एक्सिस में आ गया. कल ही मैंने आप लोग से लेक्चर लिया था ना, 1-7 एक्सिस में आ गया, इट इज अ कार्मिक मैरिज. कार्मिक मैरिज
इसके पहले बिगिनर्स कोर्स में काफी आप स्टूडेंट्स बिगिनर्स कोर्स में मैंने कैसे बताया था, हर घर में राहु केतु का मैंने बताया था ना चैलेंजेस, जैसे मेरा राहु नीच का है, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट टेस्ट होता है, कलेजा निकाल के अपने बिजनेस पार्टनर्स को दे दो, उसके बाद में लिवर भी मांग लेते हैं, तो चलो वो भी दे दिया, फिर भी चीट करके जाते हैं। आप लोग समझ रहे हो? इसीलिए बोला जाता है राहु केतु जहां भी बैठता है वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली डेबिलिटेटेड एग्जाल्टेड हो तो, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मेरा राहु सेवेंथ हाउस ऑफ बिजनेस, आई हेट बिजनेस। आपने अगर बिजनेस किया, मेरे मेंटर ने मुझे बहुत साल पहले बोला था कि बिजनेस का फंडामेंटल्स ही रॉन्ग है, कि एक रुपए का चीज 10 रुपए में बेचना, चूना लगाने का ही फंडामेंटल है। एंड आई पर्सनली बिलीव ऑल बिजनेस मैन आर क्रूक्स मोस्ट ऑफ देम। कितना भी अच्छा आदमी हो, वो 1 रुपए का चीज 10 रुपए में बेच रहा है ना, उसको दया आता है कि नहीं भाई ये 2 रुपए में बेचू, किसी को जरूरत रहेगा, किसी की जेब में पैसा नहीं रहेगा, नहीं आता, आएगा भी तो वो कर नहीं सकता है, सर्कमस्टेंसेस वैसे, बाकी उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स उसको लात मारेंगे, गेम खेलेंगे, गिरा के रख देंगे।